अपने व्यक्तिगत जीवन में मैंने देखा कि मेरे बहुत तीन अच्छे मित्र को मैंने खोया और बहुत अच्छी स्थिति में थे वो भक्ति के, दूसरों को मार्गदर्शन करते थे, लेकिन बड़ी विचित्र विचित्र परिस्थितियों से, और उसमें से दो भक्त वापस आने का प्रयास कर रहे हैं, तीसरे के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भी वापस आएँ। तो एक जो भक्त गए, दोनों से मैंने पूछा, प्रभु हुआ क्या, कैसे आप इतने अच्छे स्थिति में थे, लोगों को आपसे इतनी प्रेरणा मिलती थी, इतने वरिष्ठ हो गए, आप कैसे इतने हो गए। तो एक ने बताया कैसे हुआ कि उनका जॉब था, ट्रांसफरेबल जॉब होता था, तो बोले ट्रांसफरेबल होता है, मैं क्या करूँ, जॉब के साथ साथ MBA कर लेता हूँ, है ना, फिर जब ट्रांसफर होगी तो इस जॉब को छोड़कर मैं अपने हिसाब से कोई जॉब ढूंढ लूँगा। तो MBA करने के चक्कर में ऐसे फंसे कि भक्तों के संग से दूर हो गए, और जब दूर होते गए तो दूर ही होते गए, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। फिर जब जितना दूर हो जाते हैं तो उतना संकोच होता है वापस आने में कि अब लोग क्या कहेंगे, भक्त कैसे सामना करूं, क्या करूं, और दूर होते गए होते गए। लेकिन जब तक दूर रहे, बड़ी पीड़ित अवस्था में रहे, इच्छा थी लेकिन हिम्मत नहीं थी, लेकिन भक्त लोग प्रार्थना तो कर ही रहे होते हैं सब, तो उनकी प्रार्थना से उन पर फिर शक्ति मिलती है, फिर वापस आते हैं। लेकिन बहुत प्रयास करना पड़ता है वापस आने के बाद, बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो ये सीखने को मिला, कभी भी कुछ हो जाता है पता भी नहीं चलेगा, माया ये बताएगी थोड़ा सा कर लो अच्छा है, और भक्ति में सहायक होगा। मैंने क्यों ऐसा सोचा, बोले मैं हमेशा यहीं रहना चाहता था, भक्तों के संग में ही रहना चाहता था, इसलिए प्रयास किया, लेकिन बिना किसी गाइडेंस के, बिना पूछे कर लिया तो गड़बड़ हो गई। दूसरे भक्त से पूछे, आप कैसे विचलित हो गए प्रभु, बोले बहुत अच्छे भक्त हैं वो भी, बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे थे, बहुत बढ़िया गाइडेंस दे रहे थे सबको, घर में धर्म पत्नी के साथ थोड़ी गड़बड़ थी, अकेले जूझ रहे थे उसके साथ, जूझते इतने दुखी हो गए, परेशान हो गए, और अपना हृदय खोला नहीं, ऑफिस में गए वहाँ पे भी अच्छा करते थे प्रचार, एक बार ऑफिस के पिकनिक में गए, पिकनिक में सब लोग उल्टे सीधे गाने गा रहे हैं, इनको पुरानी याद आ गई, इन्होंने गाना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, उन्होंने वापस कर दिया, यार तू बहुत अच्छा है, उनका आलिंगन कर लिया, खूब बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है। भक्तों से उनको वो घनिष्ठता मिली नहीं, वहाँ ज़्यादा घनिष्ठता मिल गई, मिलते 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 कितनी दूर चले गए पता नहीं चला। बहुत सटल होता है, सूक्ष्म तरीके से प्रवेश करती है, पता भी नहीं चलता। भरत महाराज ने सोचा नहीं था कि हिरण के चक्कर में पड़ के मैं अगले जीवन में मुझे हिरण बनना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा नहीं, एकदम लगभग प्रेम मिल गया था उनको, लेकिन कुछ पता नहीं चलता, माया बहुत सूक्ष्म है और कैसे भी प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए हम बहुत सावधान रहें, हमेशा भक्तों के संग में रहें, और सभी नियमों का सख्ती से हम पालन करते रहें, और खूब प्रार्थनाएँ करते रहें। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभु ने व्यास से बोला कि मैं कभी माया में नहीं गिर सकता, सब बड़े प्रसन्न हुए, और व्यास आसन से उतर के प्रभुपाद खूब प्रार्थना कर रहे हैं। किसी भक्त ने पूछा, प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना कर रहे हो, बोले यही प्रार्थना कर रहा हूँ मैं माया में ना गिरूँ। बोले अभी तो आपने बोले थे माया में कभी गिरूंगा नहीं, बोले इसलिए तो नहीं गिरता, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ। तो रोज़ हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं हमेशा भगवान मुझे माया से बचा के रखें, और बहुत सावधानी से भक्ति के हर एक अंग का हम पालन करें, और बहुत कृतज्ञता अपने हृदय में बनाए रखें कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि कैसे। वैसे एक इंसिडेंट याद आया मुझे, शिला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज जी का कुछ दिनों पहले प्राकट्य दिवस था, वो इतने स्ट्रिक्ट थे, एक बारी उनके एक शिष्य की पत्नी ने कहा, युवा पत्नी थी, कि मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। वो उनसे उनके पिताजी की आयु के समान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला नहीं, मैं एक स्त्री से अकेले में बात नहीं कर सकता, मैं एक सन्यासी हूँ। इतना स्ट्रिक्ट, इतना सावधान रहते थे, कोई ढीलापन नहीं। अभी जब बहादुरगढ़ मंदिर का ओपनिंग था तो गेस्ट हाउस में हमारे 6-7 कमरे थे, तो काफ़ी प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य भी आए हुए थे, भीमा प्रभु आए हुए थे, और वो एक कमरे में रुके थे। तो गुरु महाराज आए, बोले कहाँ हैं भीमा प्रभु, तो कमरों के ऊपर नंबर नहीं लिखा हुआ था अभी, तो मैं भी कंफ्यूज था कौन से नंबर में कहाँ पे हैं। और जिस परिवार ने हमें ज़मीन दान दी थी बहादुरगढ़ की, वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, तो उनके परिवार में कुछ माताई लोग थे, वो भी आए हुए थे। तो मुझे मालूम नहीं था कौन से कमरे में भीमा प्रभु रुके, मैंने कमरा खोल दिया, साथ में गुरु महाराज थे, वहाँ अंदर घुस गए, वहाँ एक माता जी थी, वो छोटे बच्चे को संभाल रही थी। तो मैं तो अंदर घुस गया, मैं तो बाहर आ गया, प्रभु जो गुरु महाराज थे वो ऐसे डरे महाराज, क्योंकि महाराज एक्सपेक्ट करते अंदर भीमा प्रभु दिखाई देंगे और दिखाई देगी कोई स्त्री। तो महाराज को ऐसे झटका लगा, दूर से ऐसे घबरा गए महाराज। तो मैं लगा कि महाराज इस स्थिति में भी इतने बड़े साधक की तरह व्यवहार कर रहे हैं, मैं इतना भुचक्का नहीं हूँ, मुझे इतना करंट नहीं लगा, लेकिन महाराज दूर से देख के एकदम दूर हो गए कि इस स्थिति में ही महाराज हमेशा इतने सावधानी बरतते हैं। ये हमें सिखाते हैं आचार्यगण, हम
हमेशा सावधान रहे और प्रार्थना करते रहें कि जो भक्ति हमें प्राप्त हुई है वो हमारे हाथ से फिसले ना। हरे कृष्ण।